हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत इन न्यू सीडलिंग्स के साथ, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, उनको मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया था, छोटे छोटे पॉट में। थोड़ी बड़ी होने पर इन्हें फिर मैं पॉट में लगाऊंगी। उसके साथ में एक भी बार टॉपिक पे आने से पहले एक बार मैं अपना कैमरा घुमाती हूँ। अब हमारे यहाँ फ्रेंड्स सर्दियों के प्लांट तो जा रहे हैं, लेकिन गर्मियों के प्लांट भी अपनी छटा बिखेरने लगे हैं। देखिए, बोगनविलिया हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है, और आपको एक बार दिखाते हुए, लेकिन अभी सर्दियों के प्लांट भी अपनी ब्लूमिंग पे हैं, अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और गर्मियों के प्लांट की तो बात ही कुछ निराली है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में कुछ खूबसूरती में कमी आती है, कोई कमी नहीं आती है, बस हम अपने मेहनत करते रहें। अब हमारा सारा फोकस अपने गर्मियों के प्लांट पे है। और ये देखिए, गर्मियों में हमारे यहाँ बोगनविलिया की कई वैरायटी है फ्रेंड, बहुत सुंदर सुंदर शेड है मेरे पास, और उनमें अच्छे से ब्लूमिंग शुरू हो गई है। तो गर्मियों और सर्दियों का भी मिक्स रूप चल रहा है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ रोज़ेस भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं, और गेंदे के तो कहने ही क्या हैं। अब हम अपने फ्रेंड्स टॉपिक पे आते हैं, और हमारा आज का टॉपिक ये देखिए फ्रेंड्स, डहेलिया मेरे यहाँ तो अब खिल रहा है, और अब कलियाँ भी आ रही। देखिए, ये अभी हमारी तो कली बन रही है डहेलिया की। तो कुछ प्लांट ऐसे स्प्रिंग सीजन के होते हैं जो इसी समय अच्छे ब्लूमिंग करते हैं, और हमें पसंद भी रहता है कि एकदम से हमारा फूलों से सूना ना हो हमारा बगिया। तो उन्हीं में से एक ये फ्रेंड्स प्लांट जिसका जो मेरा आज का मेन टॉपिक है, ज़ेबरीना हॉलीहॉक का, आप लोग सभी पहचान गए होंगे। हॉलीहॉक की वैसे बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन फ्रेंड्स ये स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा फ्लावर्स करता है। ये फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक ही इसकी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होती है, और इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और काफ़ी ये बड़ा भी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा होता चला जा रहा है। और ये देखिए, मैंने ये एकदम छोटे से पॉट पर लगा रखा है। ये देखिए पॉट हमारा लगा हुआ है, उस पर देखिए ये कितना बड़ा होता चला जा रहा है। और इसके फूल तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके बीज ऐसे ही सूख के छिटक जाते हैं और अपने आप पौधे निकल आते हैं। मेरे यहाँ तो जहाँ लगे रहते हैं तो मैं देखती हूँ कि अपने आप ही पौधे ग्रो हो जाते हैं। मैंने तो इसे, खैर इसके सीड्स भी कलेक्ट कर लेती हूँ मैं। अब देखिए इसके ये जो सीड्स हैं, ये देखिए ये सूख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए अब सीड बन रहे हैं। और अब इसके सीड बनेंगे तो फ्रेंड्स इसको जो है हम ये देखिए निकलेंगे। अब धूप तेज़ है तो वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखिए ये सीड निकलेंगे, अभी सूखे नहीं हैं। तो जो ये सीड निकलेंगे इन्हीं को हम रख लेंगे और इनसे सीडलिंग करके बना लेंगे। तो इसकी केयर तो फ्रेंड्स वैसे ही जैसे हम सर्दियों के प्लांट्स की करते हैं, इसमें हमने वही सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डाला था। ज़्यादा केयर पे मैं बात नहीं करूँगी, बस मुझे दिखाना था कि ये हॉलीहॉक का प्लांट आप लगाएं, और अप्रैल तक अभी इसमें फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड। ये अभी भी इसमें कलियाँ बहुत बन रही हैं, अप्रैल शुरुआत तो करेगा ही करेगा, मार्च ख़त्म हो रहा है। तो ये आपने लगा रखे हो तो इसके सीड्स कलेक्ट कर लें और इनको लगाएं। ये ज़ेबरीना हॉलीहॉक का प्लांट है, और वही मुझे इसकी खूबसूरती आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स केयर बिल्कुल सेम उसी की तरह है, और आपको अपने गार्डन का लुक दिखाई दिया एक बार। आपको हमारा वीडियोज़ अच्छे लगते हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।